परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। एक तरफ जहां यूपी का बजट सत्र हंगामेदार रहा, वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि विपक्ष निराश है, इसलिए सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे अपने समय के भ्रष्टाचारों की याद अब हमारे शासनकाल में आ रही है। हम आज भी भ्रष्टाचार झेल रहे हैं, जिसे धीरे धीरे सुधार लेंगे। मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ियों की बात ध्यान में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को आती है तो सरकार उस पर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसको भी जांचने और भविष्य में भ्रष्टाचार ना हो उसे रोकने की दिशा में जो आवश्यक कदम होता है वो उठाया जाता है। और उसी क्रम में जो आप सवाल उठा रहे हैं ग्रेटर नोएडा का, चाहे नोएडा का, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे का, जो भी ऐसी अथॉरिटियां हैं उसके विषय में ये विषय आया। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार हत्याकांड पर बोलते हुए मौर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी जाति के आधार पर कोई विवेचना नहीं करती, इसमें जो भी आरोपी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण और जाति के आधार पर कोई भी विषय को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन रायबरेली की घटना अत्यधिक दुखद, नृशंस, पीड़ाजनक है और उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति पूरी, हम उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति और पूरा उनके साथ खड़े हैं और सरकार जिन अपराधियों को इसमें दोषी पाया गया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने घाटे में चल रहे लखनऊ TCS कंपनी के बारे में कहा कि हम उनके व्यापारिक हितों की सुरक्षा करेंगे और सरकार TCS के अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रही है। लखनऊ और UP से किसी भी कंपनी को जाने नहीं दिया जाएगा। सच यह है कि वो जो जिस भवन में रहते हैं, किराए का वो भवन है और उसका किराया बहुत अधिक है, सरकार के संज्ञान में है और हम लोग चाहते ही हैं कि कोई जाए नहीं, अधिक से अधिक लोग आएँ, लेकिन जो ऐसी कोई बात है तो अगर TCS के लोग बताएंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि TCS कंपनी लखनऊ से अपना व्यवसाय समेटने की तैयारी में है, जिससे करीब 2000 IT प्रोफेशनल पर संकट आ गया है। साथ ही लखनऊ की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक्सपोज इंडिया के लिए लखनऊ से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। हेलो, मैं हूं शारदा सिन्हा और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया।